हेलो एवरीवन, आज है 11 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे छोटे से शहर के बारे में जिसका प्राइस छोटा जरूर है लेकिन बिजनेस जो है वो काफी बड़ा इनका बिजनेस है। 31 रुपए का ये शहर है और जो बिजनेस है इस कंपनी का, जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, उसके बिना सोचना भी मुश्किल है। हर एक कॉमन आदमी की वो एक नेसेसिटी है और उस नेसेसिटी को प्रोवाइड करवाने का काम यही कंपनी करती है। 31 रुपए का छोटा सा ये शहर है और एक बड़ा मौका आपको यहाँ पर मिल सकता है बाइंग का। तो किस लेवल पर बाइंग करनी चाहिए, किस तरीके से बाइंग करनी चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है रेल विकास निगम। 31 रुपए का ये शहर है और रेलवे के सेक्टर से जुड़ा हुआ शहर है। और जैसे कि मैंने कहा कि उसके बिना सोचना भी मुश्किल है कि हमारी लाइफ कितनी बेहतर हो सकती है। यहाँ पर एक्चुअली अगर आपको जो अगर रेलवे ना हो तो ट्रांसपोर्टेशन में इतनी सारी दिक्कतें आ सकती है जिसके बारे में हम सोच तक नहीं सकते, और उसी चीजों को ये फैसिलाइट करने का काम रेल विकास निगम करती है, रेलवे को चलाने का काम करती है ये कंपनी। आप देखिए, 31 रुपए का छोटा सा शहर जरूर है लेकिन एक बड़ा मौका यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि देखिए सरकार यहाँ पर ऑलरेडी डिसइन्वेस्टमेंट की बातचीत कर रही है। सरकार एक बहुत बड़ी अपनी होल्डिंग को बेचने वाली है और सेबी का जो रूल भी है कि 75% से ज्यादा की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, तो वहां तक भी अपनी होल्डिंग को लेके जाएगी। और इसी बहाने सरकार एक पैसा भी यहाँ पर जुटाने की कोशिश भी कर लेगी, जिस जो हाल फिलहाल में उनको जरूरत भी है पैसों की। तो दोनों ही सूरतों में अगर हम देखें तो रेल विकास निगम के शेयर में आपको हल्का सा पेन देखने को मिल सकता है, लेकिन उस पेन के बाद जिस रफ्तार के लिए ये शहर तैयार होगा वो रफ्तार यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। 31 रुपए का शहर है, पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में आप देखिए 3.5% का ग्रोथ है। शेयर ऑलरेडी 32 रुपए के ऊपर था, गिरावट आई और 30 रुपए से भी नीचे टूट गया, फिर से तेजी आई और 32 रुपए से ऊपर निकल गया। उसके बाद ये लगातार टूटता रहा लेकिन तेजी भी यहाँ पर जरूर आती हुई नजर आई हमें। अभी 31 रुपए 70 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन क्या ये प्राइस लेवल सही है खरीदारी का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप देखिए, एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में रेल विकास निगम में 76% का ग्रोथ है। कोरोना के वक्त यह शेयर 11 रुपए तक टूट गया था, अभी अगर हम देखें तो उसके 3 गुना प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। आप देखिए तेजी आई, वे लंबा वक्त इसने गुजारा है, देखिए 17 रुपए से लेकर 20 रुपए के बीच में एक लंबा अरसा इसने गुजार दिया, कई महीने इसने गुजार दिए। उसके बाद एक बड़ी तेजी आई और शेयर 23 रुपए तक पहुंच गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, दोबारा गिरावट आती चली गई और शेयर 18 रुपए तक टूट गया और लंबे वक्त तक ये गिरावट जारी रही, लेकिन उसके बाद एक बड़ी तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर एक इतनी बड़ी रैली आई कि अब यहां से लोगों को लगा कि भाई साहब मौका निकल गया। 34-35 रुपए तक शेयर चला गया, लेकिन उसके बाद ऐसी गिरावट भी आई कि शेयर दोबारा से आपको क्या 26 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ गया। और उसका रीजन भी था कि भैया सरकार ओएफएस लेकर आने वाली थी और जब ओएफएस लेकर आएगी इतनी बड़ी क्वांटिटी बेचने के लिए निकाली जाएगी तो गिरावट होना लाजमी है, और ओएफएस हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑफर किए जाते हैं, 15-20% का डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है ओएफएस में, तो इसी के लिए गिरावट देखने को मिली। लेकिन बाद में ओएफएस अभी तक आया नहीं है, फिर से तेजी यहाँ पर आई है और तेजी जो है वो अभी भी कंटिन्यू नजर आ रही है। मिड कैप शेयर है, 6,550 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 45 लाख के अराउंड का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूँ, देखिए प्रमोटर की जो होल्डिंग है वहां पर 87.84% है। सबसे पहले प्रमोटर अपनी होल्डिंग को 75% तक लेकर आएंगे, प्रमोटर मतलब सरकार है यहाँ पर, 75% तक अपनी होल्डिंग को सरकार यहाँ पर लेकर आएगी तो पहला सेबी का जो रूल है उसका यहाँ पर पालन हो जाएगा, और दूसरी सरकार इतनी होल्डिंग को बेचकर एटलीस्ट बहुत बहुत सारी फंड रेजिंग भी यहाँ पर कर लेगी, अपना पैसा जो है उसको सिक्योर कर लेगी। एफआईएस और म्यूचुअल फंड के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, 0.31% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 1.10% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास देखने को मिली है। और जैसे कि मैंने कहा कि सरकारी कंपनी है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर हैं यहाँ पर, 87.84% की होल्डिंग के साथ, एक भी शेयर गिरवी नहीं है।
छह म्यूचुअल फंड स्कीम्स और चार एफआईआईएस का पैसा लगा है। दूसरी तरफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग की मैं बात करूं तो 9.10% की होल्डिंग इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास है और डिविडेंड पेइंग के मामले में कोई कंजूसी नहीं कर रहा है। 11% का डिविडेंड पे किया है इस बार, ₹1.14 पर शेयर का डिविडेंड पिछले साल दिसंबर महीने में ही पे किया है। तो डिविडेंड पेइंग के मामले में भी बढ़िया शेयर है, कोई शक नहीं है यहाँ पर। एक और अगर मैं चीज को दिखाने की कोशिश करूँ तो HDFC सिक्योरिटीज ने यहाँ पर पूरी डिटेल को एक्सप्लेन किया हुआ है कि बाय ऑन डिप्स का आपको फॉर्मूला यहाँ पर अपनाना चाहिए। तो किस तरीके से, तो वो भी यहाँ पर देखिए कि रेल विकास निगम फॉलोज एन असेट्स लाइट बिजनेस मॉडल विच हेल्प्स कीप इट्स फिक्स असेट्स पार्ट लोअर हेल्पिंग इट टू कीप इट बैलेंस शीट स्ट्रेस फ्री एंड रिजल्टिंग इन लोअर इन्वेंट्री डेज। रेल विकास निगम इज अ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिंग एजेंसी वर्किंग फॉर अ बिहाफ ऑफ द, देखिए तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के बिहाफ पे काम करने वाली ये कंपनी है। और यहाँ पर अगर हम एक और चीज दिखाने की मैं आपको कोशिश करूँ तो देखिए गवर्नमेंट हैज रिसेंटली शोन इंटेंशन टू इंट्रोड्यूस कंपीटिंग अमॉन PSUs फॉर अलॉटमेंट फॉर वर्क बाय रेलवे बोर्ड। तो यहाँ पर ये चीज भी जारी है। उसके अलावा अगर वैल्यूएशन की हम बात करने जाए तो HDFC सिक्योरिटीज ने यहाँ पर बताया भी है कि किस तरीके से आपको यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। तो HDFC सिक्योरिटीज बिलीव्स द स्टॉक इज अवेलेबल एट रीजनेबल वैल्यूएशन, मतलब महंगे वैल्यूएशन के ऊपर नहीं है, एवरेज वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है। उनको लगता है कि इन्वेस्टर कैन बाई द स्टॉक ऑन डिप्स इन 29 to 30 rupees बैंड, ₹31 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो HDFC सिक्योरिटीज का मानना है कि 29 और ₹30 के प्राइस बैंड पर अगर कोई खरीदारी करना चाहे तो कर सकता है, और बाकी और लेकिन थोड़ी खरीदारी करो, आधी खरीदारी करो। मतलब मानो कि अगर आपको यहाँ पर 1,000 शेयर खरीदने तो 500 शेयर जो है वो आप 29-30 rupees के प्राइस के बीच में खरीद लो। वहां से अगर और गिरावट आए तो और 500 की क्वांटिटी आप 25 और 26 रुपए का जो प्राइस बैंड है वहां पे खरीदो। और डेफिनेटली जब सरकार OFS को इंट्रोड्यूस करेगी तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा पेन मार्केट में देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए कि शेयर 32-33 पर ट्रेड कर रहा है तो सरकार OFS को 32 या फिर 33 पर नहीं लाने वाली है। सरकार आपको वो शेयर 27-28 rupees के आसपास ऑफर करेगी, 27-28 रुपए के आसपास ऑफर करेगी। तो उस लेवल पर आप बाकी की खरीदारी कर सकते हो। और टारगेट जो बताया जा रहा है वो ₹33 के आसपास का है और 33 से 35 रुपए तक का टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये HDFC सिक्योरिटीज का मानना है। टेक्निकल रेटिंग देखें तो अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर में दमखम है कि ये जा सकता है। और उसके अलावा कोई भी आपको यहाँ पर बेचने की सलाह नहीं देगा, हर कोई यही कहेगा कि भाई साहब खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो, डरने की कोई जरूरत यहां पर नहीं है। हर किसी की बाइंग की रिकमेंडेशन देखने को मिल रही है, अच्छा खासा डिविडेंड पेइंग शेयर है और रेवेन्यू में भी देखें तो उछाल जरूर आया है। प्रॉफिट की भी हम बात करें तो प्रॉफिट में तो भाई साहब इसने झंडे गाड़े हुए हैं। आप देखिए अब तक जो प्रॉफिट 200 करोड़ से नीचे था वो अब 265 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो प्रॉफिट भी बढ़िया है, जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है वो सेक्टर दमदार है। रेलवे के बिना आप सोच नहीं सकते कि क्या जिंदगी होगी सबकी। आप अगर अपनी जॉब्स के लिए भी जा रहे हैं, काफी लोग नौकरी पेशा लोग जो होते हैं वो रेलवे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वो हमेशा इवन जो कॉलेज के भी लड़के होते हैं वो भी रेलवे के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कॉलेज जाने के लिए और कॉलेज से घर आने के लिए। तो रेलवे एक मेजर पार्ट है हमारी लाइफ का। और रेल विकास निगम की हम बात करने जाए तो ये वो कंपनी है जो रेलवे को स्मूथली चलाने का काम करती है, क्योंकि आप देखिए कोरोना की वजह से रेलवे काफी वक्त से बंद पड़ी हुई थी। अभी रेलवे चल रही है लेकिन अभी भी फुल फ्लेज में नहीं चल रही है। तो देखिए जब रेलवे फुल फ्लेज में चलना शुरू होगा तो चलना शुरू करे उससे पहले भैया रेलवे का इंस्पेक्शन होना जरूरी है कि भाई साहब जो पटरियां है, जो स्टेशन है वो ठीक है कि नहीं, काम करने लायक है कि नहीं। तो उन सारी चीजों की मरम्मत का और वो सारा काम रेल विकास निगम देखती है। और एक बार फिर से रेलवे को फुल फ्लेज में चलाने से पहले बड़े ऑर्डर्स रेलवे की तरफ से रेल विकास निगम को दिए जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, और रेल विकास निगम उसको एग्जीक्यूट करने का काम करेगी। बहुत ही लंबी ऑर्डर बुक है रेल विकास निगम के पास, 70,000 करोड़ से भी ज्यादा की ऑर्डर बुक इनकी देखने को मिल रही है। काम बहुत ज्यादा है इनके पास भैया, L&T जैसे L&T कंपनी को प्रोजेक्ट बांटने का काम ये कंपनी करती है। छोटी कंपनी नहीं है, बहुत ही बड़ी कंपनी है और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिहाज से रेल विकास निगम मुझे पसंद भी आता है। लेकिन हाँ कछुए की तरह ये शेयर मूव करेगा, बहुत ही स्लो मूव करेगा। हो सकता है कि लंबे समय तक किसी एक प्राइस रेंज में ये फंस के रह जाए, लेकिन जब ब्रेकआउट देगा
तो एक बड़ा ब्रेकआउट भी आपको जरूर देने का दमखम रखता है। खरीदारी किस तरीके से करें, तो मैं कहूंगा कि अगर आपको यहां पर मान लीजिए कि 1,000 शेयर खरीदने हैं, तो पहले आप 300 शेयर खरीदिए। इस लेवल पर 2-3 रुपए और शेयर टूटता है, तो और 300 की क्वांटिटी ऐड करें, और बाकी की 400 शेयर की जो क्वांटिटी है, जब वो OFS लॉन्च हो इसका, ठीक है, तब आप वहां पर OFS में अप्लाई करें, खरीदारी करें। और अगर OFS ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, तो आप ओपन मार्केट से भी खरीद सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली OFS आएगा तब शेयर में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और ऐसा ऐसा होता नहीं कि आप OFS में अप्लाई करोगे और आपको शेयर मिल ही जाएंगे। मान लीजिए कि अगर अगर 2 करोड़ शेयर इन्होंने बेचने के लिए रखे हैं, और बिडिंग आ जाती है भैया 20 करोड़ शेयर की, तो भैया बांटने तो 2 करोड़ ही है, तो बाकी 18 करोड़ शेयर्स नहीं बेचे जाएंगे। तो ये चीज यहाँ पर है। तो OFS के वक्त जब गिरावट आती है यहाँ पर, तो आप ओपन मार्केट से भी इसमें फायदा उठा सकते हैं, और OFS में भी अगर आप चाहें तो सेफ टर्म के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो रेल विकास निगम खरीदारी की है, बने रहिए। और अगेन कहूंगा कि खरीदारी यहाँ पर तभी करें जब नजरिया यहाँ पर आपका कम से कम आपका नजरिया यहाँ पर 2-3 साल का है, कि वक्त लगेगा, बहुत ही स्लो मूव करेगा ये शेयर, लेकिन जब ब्रेकआउट देगा तो बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट भी जरूर देगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और रेल विकास निगम के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।